हेलो व्यूअर्स, पीसीएस इंश्योरेंस के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा। तो आज मुद्दा है महिला आरक्षण विधेयक 2023। चलिए जानते हैं कि ये हाल ही खबर में क्यों है। हाल ही में संसद में चल रहे विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चलिए अब जानते हैं महिला आरक्षण विधेयक के बारे में। तो महिला आरक्षण के लिए पेश विधेयक का नाम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है। ये विधेयक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करना है। आरक्षित सीटों को राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रीय आधार पर आवंटित किया जा सकता है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। आपको बता दें कि इससे पहले ये बिल 2010 में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सका था। चलिए नजर डालते हैं इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं पर। तो नए बिल के मसौदे के मुताबिक महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रोटेशनल तौर पर लागू होगा। इसके तहत कोटा के भीतर कोटा का भी प्रावधान किया गया है, अर्थात कुल आरक्षित सीटों में एससी एसटी महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था होगी। लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में संसद और अधिकतर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्यों में से महिला सांसदों की संख्या महज 78 है। वहीं राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। चलिए इसकी पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में निर्वाचित निकायों में महिला आरक्षण का बीज बोया था। सबसे पहले सितंबर 1996 में तत्कालीन एचडी देवेगौड़ा सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किया था। इसके बाद से लगभग हर सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की, लेकिन ये पारित नहीं हो सका। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। और दूसरा कथन, इसे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।